नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल PPC लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है, 1858 का भारत शासन अधिनियम। चलिए शुरू करते हैं। हमने जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं आप सभी जानते हैं, अगर आप उस सीरीज को देख रहे हैं। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1781 का संशोधन अधिनियम, उसके बाद 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, फिर 1786 का अधिनियम जो कार्नवालिस, गवर्नर जनरल कार्नवालिस की जो दो शर्तें थी, जब वो गवर्नर जनरल बन के आया उनको एक्सेप्ट किया गया 1786 के अधिनियम से। और फिर इसके बाद चार चार्टर एक्ट आए, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट, जो सबसे अंतिम चार्टर एक्ट था। चलिए आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है 1858 का भारत शासन अधिनियम, उसको शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला पॉइंट हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि ये कब आया। देखिए, आप सभी जानते हैं 1857 में क्या हुआ था, हमारे भारत देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसके बाद ये अधिनियम आया। तो इसमें क्या होता है, 1857 के संग्राम के बाद कंपनी का शासन समाप्त। देखिए, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था ये क्यों लाया गया था कि एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत में शासन कर रही थी और उसको नियंत्रित कौन करता था ऊपर से, ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब कि जो इंग्लैंड की सरकार थी, जो ब्रिटेन की सरकार थी वो उसको नियंत्रित करती थी। तो अब क्या होता है, जब 1857 की क्रांति होती है, जब 1857 का संग्राम होता है, तो उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करती है, कंपनी को बोल देती है कि अब आपका बहुत हो चुका है, अब आपका शासन यहां से समाप्त किया जाता है, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन समाप्त कर दिया जाता है। और फिर क्या, हमारे भारत देश आज़ाद हो गया था, जी नहीं, फिर शासन जो होता है वो ट्रांसफर होता है, मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह शासन कौन करता है, 1857 के संग्राम के बाद कंपनी का शासन समाप्त। तो ये बात तो आपको समझ आ गई कि 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। तो अब जब कंपनी का शासन बोल दिया गया कि आपका शासन समाप्त है, तो फिर नया अधिनियम आएगा। तो फिर ये जो अधिनियम था इसमें कहा गया कि अब से कंपनी का शासन तो समाप्त हो गया है, लेकिन भारत पर शासन कौन करेगा, ताज का शासन शुरू हो जाएगा, मतलब इंग्लैंड की जो सरकार है, जो यानी जो इंग्लैंड में कौन होता है, राजा या रानी, मतलब अब डायरेक्ट ये भारत पर शासन करेंगे और कंपनी का शासन से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी का सारा कार्य समाप्त कर दिया गया, तो ताज का शासन शुरू हो गया। तो क्या अब इंग्लैंड का राजा या रानी जो भी होता है, अब जैसे राजा है पहले रानी थी, तो क्या वो डायरेक्ट शासन करने भारत पे आएंगे, जी नहीं, वो अपने किसी व्यक्ति को, अपने किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करेंगे। तो ताज का प्रतिनिधि कौन होता था, मतलब राजा या रानी की तरफ से, मतलब हम डायरेक्ट तौर पे समझे इंग्लैंड की तरफ से, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी उसको तो समाप्त कर दिया गया, अब उसकी जगह पे शासन किसका शुरू हुआ, ताज का। तो ताज खुद, जैसे राजा या रानी स्वयं तो यहां पे राज करने से आएंगे, तो वो अपने एक प्रतिनिधि को भेजेंगे और उस प्रतिनिधि को क्या बोलेंगे, वायसराय। तो अब तक सबसे बड़ा पद क्या होता था, जब तक कंपनी का शासन था, गवर्नर जनरल, जैसे भारत का गवर्नर जनरल। तो अब कह दिया गया कि गवर्नर जनरल का पद भी समाप्त और गवर्नर जनरल की जगह नया पद बनाया गया जो ताज का प्रतिनिधि होता था और उस पद का नाम दिया गया वायसराय। काम उसके भी वही गवर्नर जनरल वाले थे लेकिन पद का नाम बदल दिया गया। तो अब आपको समझ आ गया होगा वायसराय कौन होता था, वायसराय ताज का प्रतिनिधि होता था, मतलब शासन ताज करता था लेकिन ताज स्वयं शासन नहीं करता था, वो वायसराय के माध्यम से शासन करता था, मतलब वायसराय यहाँ पे प्रतिनिधि था ताज का। थर्ड पॉइंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त। तो ये तो आप खुद भी लिख सकते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमने पढ़ा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, और फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब आया था, पीट्स इंडिया एक्ट में, ठीक है। तो जब ये क्यों आए थे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप पीछे से वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा, और नहीं अगर आपको पता तो मैं आपको बता देता हूं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्यों बनाए गए थे, ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही है उसके कार्यों को नियंत्रित किया जा सके, वो जो कार्य कर रही है उनकी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को दी जा सके, क्योंकि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट यहां पे आके देखने से तो गई कि किस तरह से शासन कर रहे हैं, और उनको नियंत्रण भी करना आवश्यक था ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों
कार्यों पर, तो उन कार्यों पर नियंत्रित करने के लिए, उन कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए थे। तो यार जब अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही समाप्त हो गया तो आप खुद सोचिए इनकी क्या आवश्यकता है। तो इन दोनों को भी समाप्त कर दिया गया। फिर अब यहाँ पे जो वायसराय शासन कर रहा है उसकी देखरेख भी तो कोई करेगा, यानी कि अब जो ताज का शासन यहाँ पे शुरू हुआ है तो क्या अकेला वायसराय सारा काम हैंडल कर लेगा? इससे रिलेटेड भी तो कुछ कार्य होंगे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट होगी जिनकी। तो उसके लिए बनाया गया भारत सचिव का पद। अब जो भारत सचिव का पद बनाया गया, क्या ये भारत में बनाया गया या इंग्लैंड में बनाया गया? तो ये बनाया गया बाहर, मतलब लंदन में भारत सचिव का पद स्थापित किया गया। जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम करते थे तो इनको समाप्त कर दिया गया और इनकी जगह भारत सचिव का पद स्थापित किया गया। तो अब सोचिए कि भारत सचिव का जो पद होगा क्या वो एक पर्सन का होगा? हाँ, भारत सचिव तो एक ही होगा, लेकिन उसकी सहायता के लिए भी तो कुछ लोग चाहिए। तो भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में हमने पहले पढ़ा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24 मेंबर थे, और जो ये 1853 का चार्टर एक्ट आया इसमें से 24 से घटा के 18 कर दिए गए थे। तो अब ये देखिए यहाँ पे इतने व्यक्ति थे, क्या अकेला भारत सचिव ही काम करेगा? जी नहीं, उसकी सहायता के लिए भी तो कुछ सदस्य चाहिए। तो भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब सोचिए ये जो भारत सचिव का पद है क्या सिर्फ एक चेयर होगी और ये 15 सदस्य हैं, यानी 15 चेयर और, क्या मतलब सिर्फ 16 ही आदमी होंगे? जी नहीं, इनके लिए कोई कार्यालय भी होगा, ऑफिस होगा, इनका कार्यालय होगा जहाँ पे बैठ के ये अपना कार्य चलाएंगे। अब इनको भी तो जैसे अब आप एक बताइए, कोई भी कार्य होता है, सरकारी कोई दफ्तर होता है ना, वहाँ पे बैठ के ही तो कर्मचारी काम करते हैं। तो इसी तरह से भारत सचिव का जो कार्यालय होता था उसका कुछ खर्चा भी होता होगा। अब एक ऑफिस है, वो ऑफिस ऐसे ही तो नहीं चलेगा, उसके लिए खर्चा भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, बहुत सी ऐसी आवश्यकताएँ होती हैं जो सिर्फ पैसे से ही पूरी हो सकती हैं। तो वो जो उसका खर्चा निकाला जाता था, तो देखिए क्या कहा गया, जो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया उसमें बोला गया कि अब एक भारत सचिव का पद बना जो नियंत्रित करेगा, और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद होगी, मतलब 15 लोग और होंगे। अब उनके लिए एक कार्यालय भी होगा, तो उस कार्यालय का जो खर्चा होगा वो भारत से ही लिया गया, मतलब सारा का सारा बोझ भारत पर ही डाल दिया गया। अब देखिए ये अपना शासन, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलो समाप्त हो गया, अब यहाँ पे ताज का शासन शुरू हुआ। शासन ये खुद कर रहे हैं भारत पे आके, उसके लिए ये अपने जो अफसर नियुक्त कर रहे हैं उनका खर्चा भी भारत पर ही है। तो ये देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहे थे कि जो भारत सचिव का कार्यालय था इसका जो खर्च था, भारत सचिव का जो ऑफिस था उसका जो खर्च था वो भी भारत पर ही डाल दिया गया। तो ये 1858 का भारत शासन अधिनियम है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप सभी जानते हैं 1857 की क्रांति के बाद भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त और राजा या फिर रानी मतलब जो ताज का शासन है वो शुरू हो गया। गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया, उसकी जगह नया पद बनाया गया वायसराय, काम उनके सेम ही होते थे। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो समाप्त होने ही थे क्योंकि कंपनी को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए थे, कंपनी खत्म तो इनकी क्या आवश्यकता है। फिर अब जो नया पद बना वायसराय, ताज का जो यहाँ पे शासन शुरू हुआ उसको नियंत्रण करने के लिए, देखरेख के लिए, मतलब उनकी कि किस तरह से काम होगा, लंदन में एक भारत सचिव का पद स्थापित किया गया। अब भारत सचिव के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया और उनका सारा का सारा खर्चा भारत पर ही डाल दिया गया। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।